इस छोटी सी वीडियो श्रृंखला में आप लोगों के समक्ष डॉक्टर ब्रायन मिस द्वारा जो कुछ तकनीकें जिनके द्वारा हम घर में रहकर स्वयं ही अपने पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश कर सकते हैं, और ये तकनीकें बहुत अधिक लोगों को उनके पास्ट लाइफ का अनुभव कराने में सफल हो पाई हैं, यानी इन तकनीकों के जो सही इस्तेमाल हैं, जो सही व्यक्ति सही रूप से इन तकनीकों का इस्तेमाल कर पाए हैं, उनको बहुत आश्चर्यजनक रूप से न सिर्फ अपने पूर्व जन्मों का आभास हुआ, बल्कि वो उससे एक समाधान लेकर भी लौटे हैं। यानी हम अक्सर ये समझते हैं कि पूर्व जन्मों को जानने के लिए हमें किसी विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ तकनीकें ऐसी भी हैं जिसके माध्यम से आप खुद स्वयं का मूल्यांकन करके काफ़ी हद तक अपने पूर्व जन्मों के विषय में न सिर्फ जान सकते हैं, बल्कि कौन सी कड़ियां हैं जो आज आपके इस जन्म से जुड़ रही हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो आज आप के साथ संबंध बदलकर इसी जन्म में अलग रूप में मौजूद है। इस चीज़ के बहुत आश्चर्यजनक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इन तकनीकों का इस्तेमाल सही प्रकार से कर पाएँ। इनके बहुत से मेथड हैं, जैसे कि स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, स्वयं को ऑब्जर्व करके, अपने मन में उभरने वाली छवियों और भावनाओं को ऑब्जर्व करके, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्मों को जानने का एक सफल प्रयास कर सकते हैं। संभव भी नहीं होता कि वो किसी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास जा पाए। कुछ तकनीकें हैं जो डॉक्टर ब्रायन मिस के द्वारा विशेष रूप से घर पर ही रहकर सेल्फ रिग्रेशन करने के लिए विकसित की गई हैं। इन तकनीकों के माध्यम से कोई भी आसानी से खुद को रिग्रेस कर सकता है, बल्कि कुछ माध्यमों के लिए तो ये भी संभव हो पाया कि वो जो अलग अलग हमारे विभिन्न अलौकिक जगत हैं, आध्यात्मिक आयाम हैं, उन तक भी वो इन तकनीकों के माध्यम से पहुंच पाएँ, अपने स्पिरिचुअल गाइड से, अपने मार्गदर्शक से मुलाकात कर पाएँ और उससे मार्गदर्शन ले पाएँ। इस छोटी सी श्रृंखला में आपको जो दो तीन मेथड अपने पास्ट लाइफ को जानने की जो तकनीकें बताई जाएंगी, कम से कम आप एक बार तो उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करके ही आप यह जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे अधिक सही है, और ऐसा करके आपको समझ आ जाएगा कि इनमें से कौन सी तकनीक आपको ज़्यादा रास आती है, किसके अभ्यास में आपको ज़्यादा आनंद आता है। क्योंकि अगर किसी तकनीक के अभ्यास में आनंद नहीं आएगा तो आप उसे बार बार नहीं कर पाएंगे। आप उसे बार बार तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से आनंदित फील होंगे, और जब तक आप बारंबार अभ्यास नहीं करते तब तक आपको मन चाहे परिणाम, जो निर्णायक परिणाम है, वो नहीं मिल पाएंगे। ये सारी तकनीकें जिनका जिक्र आने वाली वीडियोज़ में किया जाएगा, ये सारी तकनीकें आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत एक गहरी शांति में उतरने और अपने दिलो दिमाग को पूरी तरह से जो ग्रहणशील अवस्था में पहुंचाने में मदद करेंगी, ताकि जो आपका अवचेतन मन का द्वार है वो खुल सके और आप अपनी मनचाही स्मृतियों तक पहुंच पाएं। आपका अंतर्मन आपके हित से अहित से पूरी तरह से वाकिफ है, और उसको ये बहुत अच्छे से यह जानकारी है कि कब आपके लिए क्या उपयुक्त है और कब किस बात को आपसे छिपाए रखना चाहिए और कब किस बात को आपके प्रत्यक्ष आपके सामने लाना चाहिए। यानी कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यदि इन तकनीकों का आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप किसी ऐसी स्मृति में पहुंच जाते हैं जो स्मृति तक बहुत सुखदायी स्मृति नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है, आपकी जो अंतर्प्रज्ञा है, वो इस बात से वाकिफ है कि कब आपके समक्ष क्या लाना चाहिए। इसलिए इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में ये भाव पैदा करना कि
क्या मैं उन स्मृतियों तक पहुंच जाऊंगा जिन स्मृतियों तक मैं पहुंचना नहीं चाहता हूं, जिन्हें मैं याद करना नहीं चाहता हूं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी उन्हीं स्मृतियों तक पहुंचेंगे जो आपके लिए कल्याणकारी हैं, शुभ हैं, आपके लिए जानना उत्तम है। आपकी अंतर्प्रज्ञा, आपका अवचेतन मन स्वयं इसका पहरेदार है। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक प्रशिक्षित पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में जब हम इस विधि को करते हैं तो उनका जो अनुभव है, उनकी जो समझ है, उसके चलते जो स्मृतियां हमें याद आती हैं, जो आध्यात्मिक अनुभव हमें होते हैं, उन्हें ठीक ठीक समझने में, अपने वर्तमान के साथ उनका क्या संबंध है उस संबंध को समझने में, और जो ये घटना आ रही है उसके पीछे क्या सबक है उस सबक को समझने में, उस सबक को सीखने में पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हमारी बहुत मदद कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपनी अंतर्प्रज्ञा पर, अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा रखिए। वो जितना आपका अंतर्मन आपको जानता है, आप स्वयं स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हर तरह के अनुभव को, विचारों को, भावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए और अपनी अंतर्प्रज्ञा के मार्गदर्शन में निश्चिंत होकर अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा को इस यात्रा पर निकल जाने दीजिए। और इन अवस्थाओं में जो भी रहस्य आपके सामने प्रकट होते हैं उसका आनंद उठाइए, बगैर अपने पूर्वाग्रहों को बीच में लाए हुए। अब हम शुरू करते हैं कि सपनों के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों को किस प्रकार जाना जाए। सभी सपने ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों की जो स्मृतियां हैं उनको प्रकट करते हैं, और कुछ सपनों में हमारे पूर्व जन्मों के सुराग मौजूद होते हैं। इसलिए अपने सपनों का हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको चाहिए कि जैसे ही सुबह आपकी नींद खुले या फिर रात को आप कोई सपना देखकर अचानक जाग जाएं, तो एकदम से उठकर ना बैठें, शांति से थोड़ी देर लेटे रहें। अब आप या तो उस सपने के विषय में सोचें जिसे देखकर आप अभी अभी उठे हैं, या फिर रात भर आप जो सपना आपने देखे हैं, जो सपने आपको याद आते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करें और देखें कि पूरी रात जो आपने सपने देखे हैं उनमें से कितने और कौन कौन से सपने हैं जो आपको याद हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो हमें सिर्फ वो ही सपने याद रहते हैं जो वास्तव में इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इतने जीवंत होते हैं कि उन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। जो भी स्वप्न आपको याद आए उन्हें आप मन में बार बार दोहराएं। दो तीन बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हर बार कोई नई चीज़, कोई नई बात याद आएगी उस सपने के विषय में। डायरी में उस सपने को लिखने के साथ साथ आप उस सपने को एक हेडलाइन ज़रूर दें, उसे एक शीर्षक ज़रूर दें। शीर्षक जैसे कि किसी सपने में यदि डर के मारे आप जड़ हो गए हैं, चाहकर भी पैर उठाकर भाग नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार का कोई शीर्षक, या फिर आप एक अनजाने किले में हैं, आप किसी भूल भुलैया में गुम हो गए हैं, इस तरह का एक शीर्षक। जब हम शीर्षक देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बाद में कभी भी जब आप अपने उस लिखे हुए पुराने सपने को पढ़ेंगे तो सिर्फ शीर्षक पढ़ने मात्र से आपको अपना पुराना पूरा सपना याद आ जाएगा। और इसके अलावा आपको अपने सपनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उन्हें ठीक से एक व्यवस्थित रूप देने में भी आसानी होगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जहाँ तक हो सके विस्तार में लिखें, क्योंकि सपनों की जो यादें होती हैं वो बहुत ही कुछ क्षणों की होती हैं और बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने सिरहाने के बिल्कुल पास ही एक डायरी रखकर सोएं, ताकि आप अपने सपने को फौरन दर्ज कर सकें, फौरन लिख सकें। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखते समय आपको और भी ज़्यादा बातें याद आती जाएंगी। जितना ज़्यादा आप अपने सपनों को डायरी में लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पूर्व जन्मों के सुराग आपके हाथ लगेंगे।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस बात को कैसे जाना जाए कि कौन सा सपना हमें हमारे पूर्व जन्मों की एक झलक दिखा रहा है और कौन सा सपना जो हमारी दबी हुई कुचली हुई इच्छाएं हैं उनको प्रकट कर रहा है, और कौन सा सपना सिर्फ हमारी जो दिन भर की दिनचर्या है, जो बातें हमने सोची, जो कार्य हमने किए, सिर्फ उनको दिखा रहा है। इसका जवाब ये है कि अगर आप किसी सपने में खुद को ऐसे कपड़े पहने हुए देखते हैं जो आपको पुराने जमाने के लगते हैं, आपके जन्म से भी पहले के समय के, या फिर आप अपने आप को ऐसी जगहों पर देखते हैं, ऐसे स्थानों पर जाते हुए अपने आप को देखते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को देखते हैं जो आपको बहुत पुरानी मालूम पड़ती हैं, और कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि वो सब किसी और ही संस्कृति का हिस्सा हैं, आपके आज के जीवन से तो ताल्लुक ही नहीं रखती हैं। या फिर आप अपने जो आसपास की इमारतें हैं, लोग देख रहे हैं, आसपास का जो वातावरण देख रहे हैं, वो आपको पूरी तरह से अजनबी लग रहा है। यदि ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि आप अपने किसी पूर्व जन्म को उस पूर्व जन्म के अंश देख रहे हैं, यानी कुछ अलग से, कुछ अजीब से जो स्वप्न हैं उन पर थोड़ा गौर देना चाहिए, क्योंकि वो सपने आपके लिए बिल्कुल ही एकदम से अप्रत्याशित हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के सपनों का अर्थ आपको उसी समय समझ आ जाएगा, इसलिए इस विषय में चिंता ना करें, बल्कि अपने सपनों को जो भी आपने देखा है उसे पूरा पूरा दर्ज करें, उसे एक शीर्षक दें, क्योंकि अक्सर जो सपने हमें हमारे पूर्व जन्मों की याद दिलाने वाले होते हैं वो अपने आप में अधूरे होते हैं, और कई बार हमें हमारे पूर्व जन्मों की बस थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखाई देती है, और इन सभी झलकियों को एक साथ जोड़कर देखने पर ही हम ये समझ पाते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या संदेश है। पूर्व जन्मों की जो यादें हैं वो भी बहुत छोटी छोटी झलकियों की तरह ही सामने आती हैं, और इनका अलग अलग कोई मतलब नहीं होता। जब तक कि इन सबको एक साथ जोड़ा ना जाए, तब तक हम इसके पीछे क्या संदेश है, क्या सबक है, इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते। इसलिए बस आप शांतिपूर्वक अपने सपनों का डिटेल में वर्णन उसे दर्ज करते जाएं। जब बहुत से सपने दर्ज हो जाएं, तब आप जो विवरण आपने दर्ज किया हुआ है उसे ध्यान से पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें, तब आपको उन झलकियों के बीच में एक संबंध नजर आएगा। और ये भी हो सकता है कि कई बार वो आपको बिल्कुल ही बिल्कुल कोई संबंध ही नजर ना आए, बिल्कुल असंगत मालूम हो, और आपके जो सपने उनका जो विवरण है अगर वो आपको एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे हिस्सों की तरह मालूम पड़ रहा है, तो यह समझ लीजिए कि वो आपके जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूर्व जन्म है उनकी तरफ इशारा कर रहा है, और उनको खंगालना आपके इस आध्यात्मिक विकास के लिए, आपके वर्तमान जन्म की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो झलकियां आपको बिल्कुल असंगत मालूम पड़ रही हैं उनके विषय में आप ये मान सकते हैं कि या तो वो फिलहाल इस जन्म के लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं, आपके इस जन्म से उन जन्मों का कोई विशेष महत्व नहीं है, और आप ये भी मान सकते हैं कि वो जिस तस्वीर का हिस्सा है, वो जिस जन्म का हिस्सा है, उसके बाकी हिस्से अभी आपको नज़र आना बाकी है, वो अभी नज़र नहीं आए हैं, भविष्य में नज़र आ सकते हैं। भविष्य में जो आपको स्वप्न दिखाई देंगे उनका जो विवरण आप लिखेंगे, हो सकता है जो आज आपको सपने असंगत मालूम हो रहे हैं वो जो भविष्य में दिखाई देगा उनके साथ जब आप उनके संबंध को जोड़ेंगे तो एक अर्थ उनका निकल के आपके समक्ष आएगा। जब भी आपको कोई पूरी तस्वीर नज़र आती है और आप उसे पूरी गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं और उस तस्वीर पर अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करें, अपनी पूरी तवज्जो उस तस्वीर पर ले आएं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ सोचने का प्रयास ना करें,
अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत रखकर इस बात की प्रतीक्षा करें कि जो आपका अवचेतन मन है, आपकी जो अंतर्प्रज्ञा है, वो आपको दिशा निर्देश दे। थोड़ी सी प्रतीक्षा करें उस तस्वीर के संबंध में और अधिक बातें सामने आने की, आपकी जो स्मृतियां हैं उसके नए द्वार खुलने की। ना आप अपनी तरफ से कुछ सोचें और ना ही जो आ रहा है आपके मन में उसके साथ कोई दखलंदाजी करें। बस उस तस्वीर में पूरी तरह से अपना ध्यान लगाते हुए, अपनी चेतना को पूरी तरह से उस तरफ डालकर जो हो रहा है स्वयं साक्षी बनकर देखें और फिर आपकी चेतना जहाँ जाना चाहे उसे जाने दें, जो अनुभव करना चाहे उसे करने दें। आप बस देखें और बहुत जल्दी ही आप ये पाएंगे कि आपके जो पूर्व जन्मों के आध्यात्मिक रहस्य हैं, जो सबक हैं, जो उपचार करने वाले आयाम हैं, उनके दरवाजे खुल रहे हैं। अब यह एक बार के ध्यान से हो पाएगा या कई बार के, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोग तो बार बार के ध्यान से भी कुछ नहीं देख पाते। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो पहले पहल कई सारे पूर्व जन्मों की जो छोटी छोटी झलकियां हैं वो दिखाई देनी शुरू होंगी, जो आपको पहली नज़र में कहीं से भी तर्कसंगत नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपकी स्मृतियां हैं, जो अंश स्मृतियों के आपको दिखाई दे रहे हैं, वो एक सीक्वेंस में आते जाएंगे, वो एक व्यवस्थित रूप लेते जाएंगे। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये संभव है कि आप अपने किसी पूर्व जन्म को एक धारा प्रवाह रूप में पूरे एक सीक्वेंस के साथ देख पाएं। और अगर आपको कोई सपना पूर्व जन्म की स्मृति महसूस हो रहा है और अपने स्वप्न में आपने कुछ माता पिता, भाई बहन, कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा है, अपने पूर्व जन्म के प्रियजनों को देखा है और स्पष्ट रूप से आपको ये लग रहा है कि ये आपके पूर्व जन्म के दृश्य हैं, तो आप उस दृश्य में जिस प्रियजन को देख रहे हैं, यदि आप अपने पूर्व जन्म के पिता के साथ अपने आप को देख रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उस पिता के रोल में आप अपने आप को महसूस कीजिए। आप उनकी तरह उन्हीं का किरदार प्ले करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि पूर्व जन्म की किसी भी स्मृति में जो भी लोग मौजूद हैं, उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण क्या है। और आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि जैसे आपके अंदर इंसानी कमजोरियां हैं, उनके अंदर भी हैं। और जब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे, तो जो आपने दुराग्रह पाले हुए हैं अपने प्रियजनों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, वो समाप्त होने शुरू होंगे। क्योंकि जब हम किसी भी आत्मा के लिए कोई दुर्भावना पाल लेते हैं, तो वो फिर एक जन्म की बात नहीं होती, वो नेक्स्ट जन्म में भी दुर्भावना साथ में चलती है, चाहे रिश्ता बदल जाए। और अगर आप ये देखने में भी कहीं सफल हो जाते हैं कि कौन सा जो आत्मा है पूर्व जन्म में जो आपके करीब थी, वो इस जन्म में भी किसी और रोल में, किसी और संबंध में आपके करीब है, तो जो आप दोनों के बीच के, दो आत्माओं के बीच के, क्योंकि फिर आपको समझ आ जाता है बहुत अच्छी तरह से कि ये शरीरों का नहीं, ये आत्माओं का संबंध है, तो फिर आप बहुत स्वाभाविक रूप से दो आत्माओं के बीच के संबंध मधुर बन जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तकनीक के माध्यम से ये भी संभव है कि पूर्व जन्मों की कुछ गलत आदतें जो आपने अपने पूर्व जन्म में अपने आत्मा के अंदर फीड करी थी, वो इस जन्म में भी यदि आपके साथ आई हैं और आप उन्हीं गलत आदतों को, गलत विचारधारा को दोहराते चले जा रहे हैं, तो वो भी आपके समक्ष आएंगी। और जब ये आपके समक्ष आएंगी और आप उन आदतों का दोहराव बंद कर देंगे, उन्हें, उन गलत प्रवृत्तियों का दोहराव जो पूर्व जन्म से आपके साथ आई हैं, उन्हें करना बंद कर देंगे, तो बहुत चमत्कारी, बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव परिवर्तन आपकी लाइफ में घटित होंगे। अगली वीडियो में किस प्रकार ध्यान के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों को जाना जाए, समझा जाए, इस विषय में बताया जाएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य,
प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे, आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे, आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस छोटी सी वीडियो श्रृंखला में आप लोगों के समक्ष